अगर आप रोम में रहते हो और आपका कभी रोम आना हो तो आप वेटिकन म्यूज़ियम या वेटिकन सिटी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यू कैन थैंक मी लेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर से लेकर स्कल्पचर तक हर चीज़ ऑन डिस्प्ले मिलेगी। तो समर वेकेशन में मेरा जाना हुआ वेटिकन सिटी। अगर इसका आप मैप देखें तो ये एक वॉल्ड सिटी है जो कि एक किसी ज़माने में सेपरेट कंट्री माना जाता था रोमन एम्पायर के टाइम में। तो आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। जाके आपको नज़ारे कराते हैं, चलते हैं आपसे फिर अंदर। तो भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ की आप वाइब चेक करें। पीछे आप सारा सीन देख रहे होंगे, बहुत ही भाई कोई अमेजिंग यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं। और आप इनकी सीलिंग देखें कितनी डेकोरेटेड हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप आर्ट हिस्ट्री, स्कल्पचर या आर्ट को पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए एक जन्नत से कम नहीं। तो ये फेमस म्यूज़ियम जो हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 500 ईयर्स ओल्ड हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनमें नोटेबली रेड मार्बल पेपर थ्रोन है, उसके बाद रोमन स्कल्पचर्स हैं, टूम स्टोन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद रफायल रूम्स हैं जिसको रफायल ने खुद डेकोरेट किया था, उसके बाद निकोलिन चैपल है, उसके बाद सिस्टीन चैपल है, और उसके बाद जो है गैलरी ऑफ मैप्स है जिसके अंदर मैप्स जो है पूरे इटली के, वो 19 और 18 सेंचुरीज और प्रीवियस सेंचुरीज के जो मैप्स बने थे उस ज़माने में, वो डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। भाई अभी हमने एक सेक्शन देख लिया है और अभी हम दूसरा सेक्शन देखने जा रहे हैं। और यहाँ की आप वाइब्स चेक कर सकते हैं कैसी वाइब्स हैं। और ये जो है ये रेनेसांस एरिया का बना हुआ है। अगर आपने थोड़ा आर्ट पढ़ा होगा, अगर आपको आर्ट की थोड़ी समझ हो, आपको पता होगा कि रेनेसांस में जो है यूरोप में बहुत आर्ट के रिलेटिवली बहुत तरक्की हुई है। तो वेटिकन म्यूज़ियम के अंदर एक चैपल है जिसका नाम है सिस्टीन चैपल, जिसकी सीलिंग और अल्टर वॉल जो है वो माइकल एंजेलो ने बनाई थी, जिन्होंने फेमस पेंटिंग बनाई है जो आपने इंटरनेट पर काफ़ी दफ़ा देखी होगी, जिसमें वो दो फेमस जो हाथ जो आपको नज़र आते हैं वो इस सीलिंग पर जो है वो बने हुए हैं, और वो पूरी सीलिंग जो है वो डेकोरेटेड है।
म्यूज़ियम जो है ये किसी ज़माने में एक सिटी हुआ करता था पूरा, ये इटली से एक अलग सिटी था जो कि अब जो है म्यूज़ियम बन चुका है। और ये पूरा जो म्यूज़ियम है, पूरी सिटी है और उसके चारों तरफ जो है वो पूरी चार दीवारी है, पूरी कैसल की वॉल्स हैं, पूरी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पिकासो से लेकर आपको यहाँ डा विंची तक सब मिलेंगे। मेरे लिए तो भाई ये इंस्पिरेशन एक तरह की। स्कल्पचर जो है ना वो हर चीज़ पे, यहाँ पे मार्बल के ऊपर स्कल्पचर हुए हैं जो कि काफ़ी मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसको तराशना पड़ता है। तो अमेजिंग स्किल भाई, स्किल लेवल टॉप। तो भाई ऑल एंड ऑल मेरे लिए काफ़ी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, यहाँ के काम बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे मेरे लिए और यहाँ के जो मैंने स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर देखे हैं स्पेशली वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वेटिकन म्यूजियम्स का। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। उम्र यार आउट। ये पेंटिंग देख रहे हैं हम, मैं इसका लाइव वर्जन देख के आया हूँ सीलिंग के ऊपर, और वहाँ वीडियो अलाउ नहीं था क्योंकि इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका, पर उस रियल स्केल में देखने का भाई अलग ही मज़ा है। इतनी बड़ी सीलिंग है, वो ऐसे लगता बाहर आ जाएगी।